नाउ फिफ्थ पार्ट में हमें इस टाइप से इक्वेशंस दी गई हैं। यहाँ पर हमें ये न्यूमेरिक नंबर्स दिए गए हैं एक्स एंड वाई के साथ। तो इन इक्वेशंस को हम वैसे तो किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, बट ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ इतनी बड़ी डिजिट्स को डील करना थोड़ा हार्ड होगा। अगर हम यहाँ पर एक चीज ऑब्जर्व करें कि इन दोनों टर्म्स को अगर ऐड करें, यहाँ पर साइन को देखे बिना अगर इन दोनों नंबर्स को ऐड करते हैं तो कितना आता है, 152, 378, ये आता है 530। ओके, यहाँ पर भी ये दोनों नंबर्स सेम है, दैट मींस इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 530। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो इन दोनों नंबर्स का जो डिफरेंस है वो 530 है। ओके, तो ये जो यहाँ पर सिंबल्स दिए गए हैं वो भी कुछ इसी ही चीज के लिए दिए गए हैं कि इस क्वेश्चन को हम ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, अगर हम इस इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दें दूसरे में से, ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2, इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करें तो आता है 530x। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे क्योंकि ये दोनों माइनस के हो गए हैं तो -530y। एंड यहाँ ये माइनस है ये प्लस है तो इसको हम माइनस डिफरेंस देखेंगे, 530 आएगा, पॉजिटिव आएगा। ओके, तो अब यहाँ पर 530 थ्रू आउट कॉमन लेके कैंसिल किया जा सकता है, तो क्या बचा, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ये हमें एक रिलेशन मिला है एक्स एंड वाई के, बहुत ही सिंपल रिलेशन। ओके, सो एक्स की वैल्यू क्या हुई, 1 + y। तो इस एक्स की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में रख देंगे तो हमें वाई की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, पुटिंग इन इक्वेशन 1 वी गेट 152 1 + y -378 y -74, 152 y -378 y -74। अब इनको हम सॉल्व कर लेते हैं, 378 एंड 152 को डिफरेंस देखेंगे तो 6, 2, 2, तो 226 y जो कि नेगेटिव आएगा, एंड -74 -152 तो ये भी कितना आएगा, 226 नेगेटिव। ओके, सो y इक्वल्स टू +1 आ जाएगा, -226 अपॉन -226 दैट मींस 1, तो y की वैल्यू आई 1। एंड y की हेल्प से x की वैल्यू कितनी आएगी, 2। सो इट इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1 + y, तो 1 + 1 दैट मींस 2। तो x की वैल्यू भी हमें मिल गई है, y की वैल्यू भी हमें मिल गई है। ओके, अगर हम डायरेक्ट इन इक्वेशंस को सॉल्व करने की कोशिश करते सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से किसी भी मेथड से, ये बहुत ही इनको हैंडल करना मुश्किल होता। लेकिन हमने ये देखा कि इन डिजिट्स को यहाँ पर जो दी गई है उसमें एक ट्रिक छुपी हुई है, अगर उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो हमें एक बहुत ही सिंपल रिलेशन एक्स एंड वाई में मिल रहा है। ओके, तो इस तरह से ट्रिक लगा करके इस क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर लिया गया है। अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो आप उसे कमेंट्स के थ्रू पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड वॉच योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।